तो वे उत्तराखंड के एक भर्ती घोटाले के बाद बैकफुट पर आए सरकारी अमले ने 8 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया। जी हां, सहकारी बैंक में 423 पदों पर चतुर्थ श्रेणी पदों पर हुई नियुक्ति के मामले में गड़बड़ी पकड़े जाने पर विपक्षी हमले के बाद प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों की वजह से बदनामी का जो सामना करना पड़ा उस वजह से इनके तबादले किए गए। सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षा के 3 जिलों की ओर से परिणाम जारी हुए, लेकिन चुने गए अभ्यर्थियों में भाई भतीजावाद के कई उदाहरण सामने आए। नौकरी अगर सरकारी हो तो कुछ भी चलेगा की तर्ज पर चेयरमैन, निदेशक और प्रबंधक जैसे पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को उसी विभाग में चपरासी बनने में भी गुरेज नहीं। इधर धामी सरकार ने ऐसे घोटालेबाजों के लिए अब कमर कस ली है, लेकिन कुछ नेता एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। मंत्री धन सिंह ने मिली शिकायत के बाद जांच के निर्देश दिए तो शासन प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। भर्ती घोटाले की जांच उप निबंधक नीरज बेलवाल कर रहे हैं। बेलवाल ने सभी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच के बाद दोषियों से पूछताछ होगी। इस सहकारिता भर्ती घोटाले में कई अफसरों व सफेदपोश लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे साफ छवि की धामी सरकार भी दागदार हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल की मांग थी कि इस मामले में एसआईटी जांच होनी चाहिए, लेकिन विभागीय जांच करवाई जा रही है और विभागीय जांच पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी विभागीय जांच हुई है, उसमें जो लोग भी दोषी हुए हैं उनको आज तक भी उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं, उनको कोई सजा नहीं, इसलिए हमारी अभी भी मांग है कि इससे एसआईटी जांच की जाए। इस प्रकरण ने पूरे प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा कर रखा हुआ है। पूरे प्रदेश के युवाओं के अंदर जिसने एक निराशा व्याप्त की है वो है जिला सहकारी बैंक की 423 चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में बंदरबांट, जिस तरह से भाई भतीजावाद देखने को मिला है और जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, बैकडोर एंट्रियों का मामला है। पता नहीं कब तक उत्तराखंड के युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ छलावा होता रहेगा, धोखा होता रहेगा, कुठाराघात होता रहेगा और बाहरी लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ के युवा केवल नौकरी की तलाश करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार इसलिए खत्म नहीं होता कि जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो अपने साला, अपनी भतीजी, अपने भतीजे को नौकरी पर रख रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का जब खुलासा हुआ तो उसके बाद जिला सहकारी जो दफ्तर है वो सील कर दिया गया है और अब जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भ्रष्टाचार कितना अंदर तक घर कर गया है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट के संज्ञान में आया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया, जांच प्रारंभ हो गई। जांच प्रारंभ होने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी गड़बड़ी हुई है, जनरल मैनेजर जिलों के अंदर, जीएम और बड़े अधिकारी गिरफ्त में आ रहे, पकड़ में आ रहे और दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि योग्यतम लोगों का चयन हो जाए।